द्वारा की जा रही तैयारियों और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इंदौर में बारिश के मौसम में शहर की विभिन्न कॉलोनियों में जल जमाव की स्थिति बन जाती है, जिससे निगम की बारिश के पूर्व की गई तमाम व्यवस्थाएं चौपट होती रही हैं। इधर शहरवासियों को नुकसान उठाना पड़ता है, लिहाजा नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बारिश के पूर्व ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए शहर में चल रहे स्टॉर्म वाटर लाइन के कामों पर चर्चा की। उन्होंने बारिश के पूर्व सभी को काम खत्म करने के निर्देश दिए, साथ ही बारिश के पानी को सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए हर वार्ड में एक एक इंजीनियर नियुक्त किया है, जो लोगों को सिस्टम की जानकारी देने के साथ ही लोगों को सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित भी करेगा। आज की मीटिंग जो अपना बारिश के पूर्व की तैयारियां हैं उनको लेकर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स की जो काम लगातार पूरे शहर में चल रहा है उनको लेकर के हैं। इस पूरी व्यवस्था में चूंकि हर वार्ड का एक इंजीनियर प्रभारी बनाए गए हैं, जिनको ये दायित्व दिया गया है कि वो लोगों से बात करके, उनको समझा के, उनको टेक्नोलॉजी बता के रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगवाने का काम करेंगे और यूनिट लगने के बाद उसकी जियो टैगिंग कराएंगे। इंदौर MIG थाना क्षेत्र में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महिला के द्वारा क्षेत्र में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर महिला फरार हो गई थी। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र का मामला है। यहां के रहने वाली महिला फरियादी द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि निवेश के नाम पर आसमा सैयद द्वारा लाखों रुपए लिए गए, उसके बाद वो फरार हो गई। फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, वहीं पुलिस ने महिला को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब इसका रिमांड लेकर और भी पूछताछ करेगी, जिसमें और भी धोखाधड़ी के मामलों के खुलासे होने की संभावना है। कुछ दिन पूर्व थाना MIG क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पे एक प्राइवेट कंपनी में एक महिला के द्वारा एक अन्य जो फरियादी है उससे पैसा लिया गया था, जिसके चलते थाना MIG पे दिनांक 8/5/2022 को ये अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें अभी कल थाना MIG को एक सफलता हासिल हुई है, जो उसकी मुख्य आरोपी है आसफा सैयद, उसे गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में देर शाम से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा पुलिसकर्मियों से मारपीट की जा रही है। वहीं दूसरे वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक को जमकर धुन रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सच्चाई भी यही है कि एक शराब दुकान संचालक की शिकायत पर शराबी युवकों द्वारा पुलिस से बदसलूकी की गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने शराबी युवकों को जमकर सबक सिखाया। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो इंदौर के हाथीपाला स्थित एक शराब दुकान के पास अहाते का है, जहां शुक्रवार शाम शराब पी रहे 3 से 4 युवक आपस में विवाद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि विवाद कर रहे शराबियों को अहाते वाले ने समझाया तो शराबियों ने उससे भी मारपीट की, जिस पर लोगों ने पुलिस को बुला ली। जब मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो नशेड़ियों ने उनसे अभद्रता की और एक सिपाही को चांटा तक मार दिया। ये पूरी घटना अहाते में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई, जिसके बाद गुस्साए सिपाहियों ने शराबियों को जमकर पीटा और थाने लाकर बंद कर दिया। इसमें ये हाथीपाला चौराहे पे एक वाइन शॉप है, तो इसमें अहाते में कुछ लड़के शराब पी रहे थे, जिनका आपस में झगड़ा हुआ। फिर उसमें आता संचालक ने भी उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनके साथ भी मारपीट करने लगा। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी 100, तो हमारी बीट पुलिस वहां पर पहुंची थी, तब तक वो सड़क पे आ गए थे और आम लोगों के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने का वो किया, तो वो पुलिस पे भी हावी होने लगे, उनसे भी उज्जत करने लगे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उनको कंट्रोल किया, थाने लाया, जिनके विरुद्ध 151 CRPC के तहत कार्रवाई की गई। बाद राजेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों द्वारा महिला से पता पूछने के बहाने मंगलसूत्र स्नेचिंग का CCTV वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल शनिवार दोपहर थाना प्रभारी के अनुसार अमर पैलेस कॉलोनी निवासी रेखा पति किशोर साहू अपने बच्चों के साथ विजयनगर में किसी विवाह समारोह में गई थी। लौटते समय वो चौतराम चौराहे पर बस से उतरी और रीजनल पार्क की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 2 अज्ञात बदमाशों ने पता पूछने के बहाने उनका मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। रेखा ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश आंखों से ओझल हो गए थे। राजेंद्रगढ़ पुलिस को पास के ही CCTV फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। रीजनल पार्क रोड पर जो शमशान घाट है, उसके सामने एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग हुई थी। महिला चूंकि विजयनगर से शादी में शामिल होकर के और वापस अपने घर अमर पैलेस तरफ जा रही, अमर पैलेस के लिए आई थी। वो रीजनल पार्क वाले रोड से
जा रही थी अपनी बेटी के साथ में अपने घर, तो इसी दौरान दो लड़के बाइक पर सवार होकर के आए और पीछे जो लड़का बैठा था वो उतरा और उसने पूछा कि गाड़ी अड्डा कहाँ है, इस टाइप से उसको थोड़ा सा बातों में उलझाया, उसके पास गया और उसके गले में से झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र निकाल। केंद्रीय नारकोटिक्स विंग ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए उड़ीसा से दतिया जा रहे गांजे से भरे ट्रक को पकड़ा है। मौके से टीम ने उड़ीसा के मुख्य आरोपी सहित अन्य पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स विभाग ने आरोपियों से 885 किलो गांजा बरामद किया है। दरअसल नशे के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के तहत नारकोटिक्स की टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए उड़ीसा से ट्रक के जरिए दतिया ले जाए जा रहे गांजे को जब्त किया है। ट्रक से 885 किलो गांजा बरामद हुआ है, साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा गांजे की तस्करी के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया था। आरोपी चावल की बोरी के नीचे गांजे को छुपा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी राजेश, अविनाश, रमेश सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। काफी लंबे समय से गिरोह गांजे की तस्करी कर रहा है। गिरोह का मुख्य सरगना राजेश उड़ीसा का रहने वाला है। जी, दिनांक 20 मई को एनसीबी इंदौर की टीम ने छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में 885 किलोग्राम गांजा पकड़ा था और जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।